राष्ट्रपति को लेकर दिल्ली से कानपुर जा रही प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस के टूंडला स्टेशन से गुजरने के दौरान एसएसपी समेत आरपीएफ और जीआरपी के तमाम जवान मौजूद रहे। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली से अपनी प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस द्वारा कानपुर के लिए रवाना हुए। गाजियाबाद अलीगढ़ हाथरस होते हुए उनकी ट्रेन टूंडला रेलवे स्टेशन को पार कर चुकी है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम चंद्रविजय सिंह, एसएसपी समेत जीआरपी और आरपीएफ के आला अधिकारी और पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं स्टेशन पर किसी भी यात्री को नहीं आने दिया गया, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी बाहर ही रोक दिया गया। राष्ट्रपति की ट्रेन के निकलने के बाद ही अधिकारियों ने राहत की सांस ली। जो एक क्लियर रिकॉर्ड रही क्योंकि यहाँ से रवाना भी अभी हुई है और पूरे जनपद में हम लोगों ने एसडीएम सीओ सभी लोग मंचन लेकर अपने एडियंसों के साथ में हर एक अंडरपास ओवरब्रिज जहाँ जहाँ पे जो भी समस्याएं हो सकती थी उन सभी को मैंट करके और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और मुझे लगता है अभी आधे घंटे के अंदर महामंडल हमारे जनपद से जो सीमा है उसकी उसको ट्रेन के माध्यम से क्रॉस कर सकते हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता है, देश के सर्वप्रथम गौरव है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में हमें देखना। हम लोगों ने पूरे ट्रैक को गार्ड कर रखा है, उनके दरमियान से रेलवे के जितना भी ट्रैक है 71 किलोमीटर्स का, उसको सेक्टरों में बांध करके करीब हमारे 7 सीओ और करीब 25 इंस्पेक्टर और 250 के आसपास कॉन्फ्रेंस लगाए थे। जितने भी अंडर पास हैं, ओवरब्रिज हैं, क्रॉसिंग्स हैं, माइंड हैं, अनमाइंड हैं या ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों के आर पार जाने का खतरा रहता था, वहाँ एक ही चीज़ को देख करके वहाँ पर लिख पार कानून को आश्वस्त लगा करके पूरा एक सुरक्षा दीवार बनाई है पूरे 71 किलोमीटर। और अभी आपने देखा भी है कि उनकी ट्रेन भी फांस हुई है, सर जो सब बता रहे थे कि आधे घंटे में भगवान उसको पार कर और होपफुली सब लोग तरीके से निकल जाए।